मुझे ना बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, बट हम कुछ हेल्दी बनाएंगे। हेल्दी खाली आटा होती है बराबर, इसके लिए जा नहीं रहा था। एक्चुअली बुखार अभी तक गया नहीं है और रात में मैं सो नहीं पाई, बहुत बेचैनी हुई थी। कभी कभी बुखार में बहुत जम के सोती हूँ और कभी कभी बहुत ही बेचैनी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, दिस इज़ साइदा खान, वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। सो जो बोल रही थी कि इतना बेचैनी हो रही थी रात को मुझे, कि पैर इतने जल रहे थे, फिर मैंने पैर पानी में डाल लिए, फिर पैर ठंडे हुए, उसके बाद फिर सोई और अभी है ना पूरा बहुत पसीना आ रहा है। लिटरली इतना गर्म लग रहा है मुझे, अभी शायद बुखार जा रहा है, तो आज चलते हैं डॉक्टर के पास। और अभी कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, उठ जाते जल्दी से, थोड़ा चाय कॉफ़ी पीते, वैसे चाय तो नहीं पीती, थोड़ा कॉफ़ी पीते, मिलते हैं फ्रेश अप होने के बाद। उठ के फ्रेश फ्रेश होके मैं कॉफ़ी पी ली हूँ और मुझे ना बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, तो अभी जाऊँगी फटाफट से नहाने के लिए। नहा के आने के बाद कुछ देखती हूँ, बनाती हूँ खाने के लिए। और मैं जो बोलना चाह रही थी, एक्चुअली क्या होता है ना, हम कभी भी कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं ना कि ये कल से करेंगे या ये करेंगे या परसों करेंगे या नए महीने से नए साल से हमें ये करना है, तो वो कभी नहीं होता है। पहले मैंने सोचा था कि 1 तारीख से मैं सुबह सुबह उठूँगी और उठ के एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, प्रॉपर एक डाइट फॉलो करूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज 1 तारीख है और लास्ट नाइट मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। मैं सुबह बताई हूँ कि मैं सो नहीं पाई, काफ़ी तकलीफ था मुझे और सुबह भी उठ नहीं पाई हूँ, तो कोई नहीं, सुबह उठ नहीं पाए, वर्कआउट नहीं कर पाए, बट हम कुछ हेल्दी बनाएंगे, हेल्दी खाएंगे, नो जंक फूड, ठीक है, घर का खाना, वो भी सिंपल खाना खाएंगे। मतलब वैसे 100% तो वैसे रूटीन नहीं फॉलो कर पाएंगे, एकदम से हाई प्रोटीन, नो कार्ब्स, बट जितना हो सके उतना। मतलब जैसे कुछ दिनों से मैं काफ़ी हैवी खाना खा रही थी, लाइक बिरयानी खाई हूँ संडे को, फिर पकोड़े खाई हूँ, लाइक वो चूड़ा वूड़ा खाई हूँ, बेपर खाई हूँ, चॉकलेट खा रही थी, कुछ ना कुछ इस तरह के खाना ही खा रही थी। तो अभी एकदम मैंने सोच लिया 10 दिन जंक फूड नहीं, सिंपल घर का खाना खाते हैं, लाइक कार्ब थोड़ा सा कम करूँगी। वैसे मेरे पास ब्राउन राइस भी पड़ा हुआ है, फिर जो वो वाली आटा होती है ना मल्टीग्रेन, वो मैंने खुद से बनवा के लाया था जहाँ पे ग्रोसरी वाली जो दुकान रहती है लोकल, वहाँ से, तो उन लोगों ने मुझे मिला के दिया था आधा आधा किलो करके, जवारी का आटा आधा किलो, आधा किलो राइस फ्लावर, आधा किलो मकई का, इस तरह से मतलब उन लोगों ने मिक्स करके दिया था, वो आटा है मेरे पास। वैसे रोटी बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ, वो भी रात में खाना पसंद करती हूँ। तो जो भी मैं बनाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी पूरा जो रेसिपी है या जो भी मैं खा रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। हाँ, आज मैंने जो कॉफ़ी पी है, इस मैं मोस्टली ऐसे मग में ही कॉफ़ी पीती हूँ इतने क्वांटिटी में, आज मैंने बिना शुगर के कॉफ़ी पी है। पहले थोड़ा सा लगा बट लास्ट में ठीक था। वैसे काफ़ी टाइम से मैं क्या कर रही थी, चीनी थोड़ा कम कर रही थी। वैसे चाय पीती हूँ तो गुड़ वाली चाय पीती हूँ, गुड़ वाली चाय अच्छा ऑप्शन होता है, चीनी से तो बेटर है, बट मीठा तो होता है,
जैसे मुझे PCOD है तो मुझे मीठा एकदम अपने खाने से कम करना है, तो तभी मेरी जो वेट है वो एक लेवल तक आएगा। वेट कम करने के लिए, वेट लूज करने के लिए हेल्प होगा, बट हो नहीं पाता है। खाली चीनी का वैसे मुझे मीठा का कुछ वैसा खाती नहीं हूँ। खाने के अंदर पीने के अंदर चाय होती है, चाय या कॉफ़ी में ही शुगर लेती हूँ, वो भी चाय में तो आजकल गुड़ी डाल रही हूँ, बाकी वैसा कुछ मीठा खाती नहीं हूँ। तो अभी ठंडी का टाइम था, एक पीठा बनाना था, तो आज अगर बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं बनी तो एक दो दिन बाद देखती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मन था। एक्चुअली वो जो पीठा है विदाउट मीठा भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ दोनों टेक्निक शेयर करूँगी। बेसिकली उसको भापा पीठा बोलते हैं, तो उसके लिए मुझे चावल खुद से, मतलब चावल का जो आटा है वो सब खुद से करना होता है, बाहर का जो आटा है उससे उतना अच्छा बनता नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा डिले हो रहा था। मेरी भी थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं थी, वैसे शायद से मुझे एक दो दिन में कहीं ट्रिप पे जाना होगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये सारा बहुत सारे रीज़न है, जो हम कुछ भी सोचते हैं वो होता ही नहीं है, इसके लिए लाइफ में कुछ प्लान मत करो। प्लान करते हैं ना हम, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। हाँ, बट कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मुझे वेट मेंटेन करना या फिर डाइट, प्रॉपर एक डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ दिन दिन मेरी वेट खाली बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ कम नहीं हो रही है। सो इसके लिए मैंने सोचा कि एकदम से अगर हम प्रॉपर स्ट्रिक हो जाएंगे तो नहीं होने वाला है कुछ भी, तो थोड़ा 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 करके शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करेंगे तो वो चीज़ हमारे बॉडी को, हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे एक एक चीज़ की आदत हो जाएगी, तो वैसे धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो मैं फ्रेश होके आती हूँ, फ्रेश नहीं सॉरी नहा के आती हूँ, क्योंकि है ना कल काफ़ी बुखार थी, तो इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा कैसा लग रहा है, नहाऊंगी तो फ्रेश हो जाऊंगी, फिर नहा धो के मैं आके मिलती हूँ। वैसे शाम हो गई है और दोपहर को खाना वाना खा के ना मैं दवाई खा के थोड़ा सो गई थी, थोड़ा नींद आ गई थी, और उसके बाद एकदम पसीना पसीना हो के तुरंत मेरी नींद खुली, और थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ ना, लाइक कुछ भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत, जैसे दोपहर में खाली खाना बनाया और नहाया, तो उतने में मुझे इतनी टायर्ड फील हो रही, मतलब कुछ भी कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, तो अभी फिर से लग रहा है कि बुखार आ रहा है, और अभी काफ़ी भूख भी लगी है, तो देखती हूँ क्या खाने के लिए मिलता है। और ऐसा हो रहा है ना कि मतलब क्या खाऊं और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, सोची थी थोड़ा सा बाहर जाऊंगी बट ठंडी लग रही है, लाइट चालू कर लेती हूँ पहले। आज थोड़ा सा कॉफी पी लेती हूँ, व्हाइट कॉफी। इसमें थोड़ा सा ही है, देखते हैं क्या होता है।
चलो चलेगा इतना कॉफी। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। बिना शुगर ये रही सिर्फ कॉफी है। और थोड़ा सा फेट लेते हैं। ये ब्रू वाली जो कॉफी है ना वो एकदम पाउडर फॉर्म में रहता है, और जो गोल्ड होती है वो थोड़ा सा बीट बीट रहता है, एकदम जल्दी ब्लेंड हो जाता है। और सुबह मैंने बताया था कि मुझे चावल भिगाना है, पीठा बनाना है, तो अभी चावल को स्ट्रेन कर देती हूँ, सारे पानी निकल जाएंगे इसमें करके। वैसे भूख भी लग रही है, देखते हैं कि खाने के लिए और क्या मिलता है। चलो पॉपकॉर्न मिल गई और ये मूवी है, ये सब है, बट ये सब नहीं खाते, पॉपकॉर्न बनाते। चलो दूध जो है गर्म हो गई, इसमें ऐड कर देते हैं। एकदम बराबर, क्या बात है। और तब तक इसे ढक देती हूँ, वाली ढक्कन आएगी। और हम चलते हैं बाहर जब तक वो बनता है। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वैसे प्लांट में भी थोड़ा वाटरिंग करना है, क्योंकि कल सुबह करी थी तो आज सुबह नहीं करी हूँ, तभी उन लोगों को भी थोड़ा खाना पानी चाहिए ना, सूख गए सब। मैं ये कॉफ़ी ख़त्म करके जल्दी से पानी डाल देती हूँ। ये रही पीठा और इसके अंदर है गुड़ और नारियल, और ये चावल का आटा है, बन गया। और मैं खा भी चुकी हूँ, सब रखते हैं इसको ढक के। राधिका को ढूंढ रहे हो ना? और ये रहा राधिका का खाना, ये है चना साग, ये प्रॉन्स कड़ी, मस्टर्ड कड़ी बेसिकली, और टमाटर और थोड़ा सा चावल। अभी ये खा के फटाफट से मेडिसिन लेना है। इसके लिए जा नहीं रहा था। खाना वाना हो चुका, दवाई भी खा ली, और अभी बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है।
थोड़ा सोने की कोशिश करती हूँ, और आज का व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।